In this problem, let A, B, and C represent distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible three-digit numbers formed by A, B, and C without repetition. Then consider the following two statements. The statement 1 is the four-digit least value of X is 1332, and the three-digit greatest value of X is 888. And on the basis of above two statement, four different options are given, and you have to find out of these four which statement is correct and which one is incorrect. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम के की पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो ए बी सी है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब आपको अब जीरो नहीं लेना है। दूसरा है इसमें तीन डिजिट के नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन, नंबर को आप रिपीट नहीं करोगे, फिर इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करोगे। जब आप नंबर को रिपीट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे डिजिट क्या क्या यूज कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब इसमें से कोई भी हम तीन डिजिट यूज कर सकते हैं। तो मान लो इसमें से कोई भी हमने थ्री डिजिट नंबर यूज कर लिया ए बी और सी, तो बस इन्हीं तीन को अगर आप यूज करोगे तो इनकी पॉसिबिलिटी जो होगी नंबर फॉर्म करने की, आप यहाँ पे तीन डिजिट में से कोई भी पुट कर सकते हो, थ्री पॉसिबिलिटी। अब जब एक नंबर आप ए प्लेस पे लिख दोगे तो फिर बी प्लेस पे डिजिट आपके पास बचेंगे केवल दो, इसलिए दो पॉसिबिलिटी। दो डिजिट यहाँ ए और बी प्लेस पे आ जाएंगे तो सी प्लेस पे डिजिट की पॉसिबिलिटी केवल एक होगी, और इस तरीके से जो टोटल नंबर आप लिख पाओगे वो होगा 6। मतलब इसमें किसी भी तीन डिजिट को अगर आप यूज करोगे तो कुल 6 नंबर लिख पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे तीन नंबर को यूज करते हैं और यहीं से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैं 6 नंबर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन सभी डिजिट को यूज करके केवल 6 नंबर लिख पाओगे। ये 6 नंबर मैं बता रहा हूं कि कोई भी तीन डिजिट यूज करके आप 6 नंबर लिखोगे। आप डिजिट चेंज करते जाओगे, आपके नंबर चेंज होते जाएंगे, याद रखिए। जैसे मान लो 1, 2, 3 यूज हमने किया तो हम 6 नंबर लिख पाएंगे। अब कोई कह दे कि नहीं हम 1 यूज नहीं करेंगे, हम 2, 3, 4 यूज करेंगे, तो उसके 6 नंबर अलग आएंगे, 3, 4, 5 के 6 नंबर अलग आएंगे, 4, 5, 6 के 6 नंबर, यानी कि बहुत सारे नंबर यहाँ पे बनेंगे। जिस तीन हम पर्टिकुलर डिजिट की बात कर रहे हैं उससे 6 नंबर बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे लोअर से, फिर अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1, 2 and 3 डिजिट। तो यहां से आपको कुल नंबर कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। अब वो नंबर्स क्या क्या होंगे पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 को हमने रखा हुआ है 100 प्लेस पे, तो एक बार 2, 3 लिखते हैं और एक बार 3, 2 लिखते हैं, ये हो गया। सेम ऐसे 2 को 100 पे रखते हैं, तो यहाँ पे 3, 1 लिख सकते हो और 1, 3 लिख सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पे 3 लिखते हैं 100 प्लेस पे, तो 1, 2 लिख सकते हो और 2, 1 लिख सकते हो। दीज 6 आर द नंबर्स विच आर फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट 1, 2 and 3। अब इन्हीं 6 का सबसे पहले हम लोग कर देते हैं सम, फिर चेक करेंगे। तो एक नंबर है 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 and 3, 2, 1, इनका कर देते हैं सम। तो ये हो गया 5, 6, 9, 11, 12, जो गया 3, 3, 3, 9, 9 और 3, 12 और 1, 13, 6, 4, 10, 12 और 1, 13, 1, 3, 3, 2। तो इन सभी नंबर का सम करने के बाद जो आपको x मिल रहा है वो 1, 3, 3, 2 मिल रहा है। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि आपने यहाँ पे जो डिजिट यूज किया हुआ है वो सबसे छोटे तीन डिजिट यूज किए हुए हैं, तो क्या आप इससे और स्मॉल कोई डिजिट यूज कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। और जब इससे छोटे डिजिट आपके पास है नहीं तो सम अब इससे छोटा हो नहीं सकता। मतलब जो सेकंड वाला यहाँ पे ऑप्शन है कि थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम 888 बना सकते हैं, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इससे छोटा तो आंसर आएगा ही नहीं। अब जब भी आप इन डिजिट को चेंज करोगे
तो आपका जो नंबर आएगा वो इनसे बड़ा आएगा, इसलिए सम भी इनसे बड़ा आएगा, इसलिए ये वाला जो सम आपका आया हुआ है इसको आप सबसे छोटा सम बता सकते हो, और ये है 4 डिजिट का। यहाँ पे लिखा है द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू। ये हो सकता है, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको आप करेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन रहा है। अब जो भी नंबर बनेगा इससे बड़ा बनेगा, तो इन 4 ऑप्शन में ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।